नाम बोलो बहन जी। भारती। अच्छा प्यारी बहन भारती, आप अभी ठीक है? बिल्कुल। क्या हुआ था आपको? मुझे सांस नहीं आता था। सांस नहीं आता था, दम घुटता था। ये कब से हो रहा था आपको? 15 साल से। 15 साल से लगातार हो रहा था। लेकिन मेरे ख्याल से आप यहाँ तो ठीक नहीं हुए, छावला गांव वाले धाम में आके। तो आप कहाँ ठीक हुए थे? आपके पुराने घर में, 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले ठीक हुए थे। तो आप क्या करने आए हैं? आप जब ठीक हो गए तो अपने घर रहिए। मिलने आए ना? हमारे से मिलने हैं। बाबा की चादर चढ़ाने, प्रसाद चढ़ाने आए, बाबा को गुलाल लगाने आए। चलिए, बाबा के संग होली खेलने। पहले तो होली की शुभकामनाएं आपको, आपके भाग्यवान पतिदेव को, आपके दोनों बच्चों को। इसका तो अखबार में फोटो आया था, लड़के का, आपके का। आपका आशीर्वाद है। अच्छा तो ये बताइए, आपको सांस में क्या प्रॉब्लम आती थी? मुझे सांस ही नहीं आता था ना। डॉक्टर को दिखाया था? हाँ, डॉक्टर्स ने, एम्स वालों ने भी, सबने अस्थमा डिक्लेयर कर दिया था कि आपको अस्थमा है। अस्थमा है? वो अस्थमा कहाँ गया पता नहीं। याद है डॉक्टर का कोई नाम? याद है नहीं। अब तो मैंने 1.5 साल तो हो गया, मैं ठीक ही होगी। मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया। मेरे अंदर से ऐसे आवाज़ आती थी हर वक्त, गड़ गड़ जैसे सांस चलता रहता था। तो इसके लिए आप वो सांस वाली एक वो प्रक्रिया होता है, इनहेलर, वो लेते थे? हाँ जी। हाँ तो फिर मैंने आपका क्या खर्च कराया ये बताइए? आप तो पहले घर में ठीक हुए, मैंने क्या खर्च कराया आपका? नहीं लिया मेरे से। 1-2 लाख रुपए खर्च हुए आपके? कुछ भी नहीं लिया, एक चवन्नी भी नहीं ली, बल्कि कपूर भी आपने अपना ही दिया था मुझे तो। और आप ठीक हो गए? आपका स्वास्थ्य, ये भगवत कृपा आप पे हुई थी, ये शाबिर प्या की कृपा आप पे हुई थी, शनिदेव महाराज की कृपा आप पे हुई थी? सीधा चमत्कार देखा था, सीधा चमत्कार देखा था। तो आपकी नज़र में कई लोग हैं ऐसे जो यहाँ से ठीक हुए हैं दरबार से? हाँ कई लोग हुए हैं, मैं हुई हूँ, मेरे हस्बैंड हुए हैं। हाँ, और मतलब नेगेटिविटी के सारे केस, और वो नेगेटिविटी किसी भी रूप में हो सकती है, आपको श्वास बाधा के रूप में भी हो सकती है। मेरा आपके माध्यम से लोगों को ये बताना जरूरी है कि आपको डॉक्टर ने क्या घोषित कर दिया था? श्वास रोग है ना, क्या बोला था? अस्थमा घोषित कर दिया था, और आपको अस्थमा नहीं रहा, और अस्थमा आपका गायब हो गया। और कब कहाँ गायब हो गया आपको पता चला? एक्सरे में भी कुछ नहीं आता था, लेकिन अंदर से एक गड़ गड़ चलता रहता था, और थोड़ा सा चलती थी तो सांस फूलने लग जाता था। मुझे सांस ही नहीं आता था, सोए सोए तो कई बार ऐसे ऊपर को ही रह जाता था सांस वापस। चलिए, कोई आपके आसपास में इस तरह का बीमार होगा जिसको निगेटिविटी होगी, आपको तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको अपनी भी नहीं पता चली थी, और 16 साल से आप लगातार बीमार थे, तो उसको आपने क्या देनी है? प्रेरणा देनी है। हमारी एक वीडियो है फिनिश द नेगेटिव एनर्जी, वो उसके अनुकूल चेक करें, और उसके बाद जो है ना हमारे पास ठीक होने के लिए आए, आपने ये प्रेरणा देनी है। और ये दरबार की सेवा होती है कि कोई जैसे आप ठीक हुए ऐसे दूसरे लोग भी ठीक हुए। हमारा शुभ नाम क्या है? आपका मनु। मनु भैया जी। हाँ, और क्या, मेरे तो साक्षात भाई हैं। हाँ, तो मनु भैया जी के यहाँ आप आए और ठीक हों, ठीक होकर जाएँ, और हमारा उचित उद्देश्य है, और उद्देश्य में बहन आपके सामने बैठी हुई है, और ये 1.5 साल पहले ठीक हुई थी, हमारे दूसरे वाले घर में ठीक हुई थी, और ये जो है ना आज बिल्कुल ठीक है, और आ रही है दरबार की लगातार सेवा करने, बाबा से मिलने आ रही है, बाबा की चौखट पर आ रही है। बोलो या शाबिर, या शाबिर, या शाबिर, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव।